हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारा सहयोग करते हैं अपने सुझावों से कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। आपने बताया कि मैम की वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के साथ आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है ये जानकर कि आप हमारे द्वारा दी गई जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आती है। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि एक वर्ड के साथ आपके टॉपिक डीपली से क्लियर कर सके ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में। तो इसके बारे में अपन आज एकदम बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सको। देखिए, RRLF के जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसके बारे में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें है उसकी संरचना, उसके वर्क या इसके जो भी उद्देश्य हैं, इसके प्रकाशन और जो पुरस्कार या अवार्ड जो इससे रिलेटेड है उनसे जुड़े समस्त तथ्य जो भी हैं उनके ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान यानी कि RRLF, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो देखिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या थे, कब इसको बनाया गया था, किसकी स्मृति में इसको बनाया गया था, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय। तो देखिए, राजा राम मोहन राय कौन थे? देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, और इन्होंने जो अपना सारा जीवन था वो प्रौढ़ शिक्षा और समाज कल्याण में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। तो उन्हीं की स्मृति में, जो उनका 200वां जन्मदिन था, उनकी स्मृति में 200वें जन्मदिन पर इस राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और देखिए, जो 1972 है, ठीक है, उस 1972 को जो सन था उसको अपन स्वतंत्रता की जो रजत जयंती है उसके रूप में भी इसको मनाते हैं। इसी के साथ 1972 इसको अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष जब ये मनाया गया था तो उसके साथ एक आदर्श वाक्य दिया गया था, यानी वो वाक्य दिया गया था सभी के लिए किताबें, ठीक है। ये उस वर्ष 1972 में ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में ये आदर्श वाक्य के साथ मनाया गया था। अब देखिए, जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसका उद्देश्य क्या रहा था? तो देखिए, जब इसकी स्थापना की गई थी 20 मई 1972 को, तो इसका उद्देश्य रहा था कि जो भी ग्रामीण और जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये पूर्णतया केंद्र से वित्त पोषित है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसको पूरा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। ये स्वतंत्र निकाय है पूरा एकदम, ठीक है। और देखिए, इसका क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका केंद्रीय कार्यालय है साल्ट लेक, जो कि कोलकाता में है वहाँ पे। और इसके अलावा इसके जो जोन कार्यालय भी हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। जोन कार्यालय में देखो, पूर्वी क्षेत्र में तो है कोलकाता ही, ठीक है, इसी के साथ उत्तरी क्षेत्र में आता है नई दिल्ली, दक्षिण में मुंबई और पश्चिमी क्षेत्र में चेन्नई के अंदर इसका जो जोन कार्यालय है वो स्थापित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि भाई इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका जो उसका उद्देश्य था वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रामीण और जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो यही इसकी भूमिका है। नेक्स्ट है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, इसका अध्यक्ष होता है संस्कृति मंत्री या उसका प्रतिनिधि, तो यही इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में जो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है वो है प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा जी, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो देखिए, इसके अंदर जो कुल कार्य समिति के जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। अब इसमें जो कार्य समितियाँ होती हैं वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए कि भाई संस्थान की कौन कौन सी कार्य समितियाँ होती हैं। इसमें दो प्रकार की कार्य समिति होती है। पहली होती है प्रशासनिक समिति, ठीक है। अब देखिए, प्रशासनिक समिति क्या होती है ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए। प्रशासनिक समिति वो होती है कि जो भी ये संस्था है, इस समिति जो इसके सारे प्रशासनिक और जो वित्त से जुड़े जो भी कार्य होते हैं वो उन सारे मामलों का प्रबंधन ये प्रशासनिक समिति देखती है। सेकंड है राज्य पुस्तकालय आयोग समिति। तो देखिए, राज्य पुस्तकालय आयोग समिति जो इसकी है वो क्या कार्य करती है वो भी एक बार आप देख लीजिए। इस संस्कृति का जो इस समिति का जो उद्देश्य है वो क्या करती है कि जो अपनी ये संस्था है RRLF, जो उसके उद्देश्य हैं उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए सुझाव और जो सहायता देती है वो राज्य पुस्तकालय योजना समिति के अंदर आता है। तो इसकी ये दोनों समिति आप नोट कर लीजिए, पहली प्रशासनिक समिति, दूसरी है राज्य पुस्तकालय योजना समिति। नेक्स्ट अपन चलते हैं
नेक्स्ट आता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत इसका पंजीकरण है। तो देखिए कि जो ये संस्थान है ये कौन से एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ये है वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, यानी कि वेस्ट बंगाल सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1961 उसके अंतर्गत ये रजिस्टर है ये अपनी RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके आते हैं कि भाई इसके उद्देश्य क्या रहे हैं, तो इसके उद्देश्य के बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए उद्देश्य में पहला आता है राज्य सरकारों के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। यानी कि जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उनके आंदोलन में सहयोग करता है, चाहे आर्थिक हो या फिर तकनीकी जो भी सहायता है वो प्रदान करके उनको बढ़ावा के लिए अग्रसर करता है। सेकंड है ग्रामीण जनता के अंदर अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना, यानी कि राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो ऐसी नीतियाँ तैयार करता है ताकि जो भी प्रौढ़ हों यानी कि जो पुस्तकालय तक नहीं जा सके या जिनकी पढ़ने में पुस्तकालय यूज़ करने में उनकी जिनकी प्रवृत्ति या रुचि कम है तो उस अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए ये नीतियाँ तैयार करता है। ठीक है, और उसके साथ ही अपने केंद्र और राज्य सरकार के लिए उनको अपनाने का भी ये प्रयत्न करवाता है। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना तथा अपनाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना, यानी कि ये राज्य सरकार को प्रोत्साहित करता है कि जो भी पुस्तकालय अधिनियम है उनको सार्वजनिक पुस्तकालयों में लागू करके उनके विकास के लिए कार्य करवाए। नेक्स्ट है सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान देना। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालयों का अनुदान ये RRLF के द्वारा दिया जाता है, हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान दिया जाता है, लेकिन RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन उनके अनुदान का एक काफ़ी बड़ा अहम भूमिका निभाता है, या उनको बोल सकते हैं अनुदान देने में या उनकी विकास के लिए जो भी कोई भी पुस्तक प्रदर्शनी हो या फिर उनको पुस्तकें प्रदान करनी हो, तकनीकी कोई सहायता हो, वो सब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को तकनीकी सहायता प्रदान करना। देखिए तकनीकी सहायता में आ सकता है कि भाई उन्हें कंप्यूटर या फिर सरकार के द्वारा जो भी तकनीकी सहायता हो IT से रिलेटेड वो सब सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये सब एक इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है देश में क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा केंद्र की स्थापना करना। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे आता है कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना। देखिए नेहरू ग्रामीण जो नेहरू युवा केंद्र है ये क्या होता है कि जो ग्रामीण स्तर है या जिला स्तर पर जिसको बोल सकते हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें कि जितने भी ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय में से जो रुचि रखते हैं या पुस्तकालय के विकास के लिए सारे कार्यक्रमों का देखभाल ये नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ और भी ये कई सारे सहयोग करता है जिसमें आता है कि जैसे भाई कि वहाँ पर मोबाइल लाइब्रेरी या पुस्तक प्रदर्शनी कोई सेमिनार करना हो या फिर कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वहाँ पर या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई वर्कशॉप का आयोजन करना हो, ये सब कार्य भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो इसका सहयोग है वो है जैसे कि दिया जाता है कि जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर अपना हिस्से के साथ ये उनकी विकास के लिए कार्य करता रहता है। देखिए इसमें जैसे नेक्स्ट है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए सेवाएं, तो ये सेवाएं जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है वो इसमें है कि दो प्रकार की सेवाएं इसमें दी जाती है। पहला है समतुल्य सहायता यानी कि मैचिंग असिस्टेंस, और सेकेंड है पूर्ण सहायता यानी कि फुल असिस्टेंस। अब देखिए समतुल्य सहायता में क्या होता है, समतुल सहायता जो ये सहयोग है ये 2005 से लागू कर दिया गया था। इसमें क्या होता है कि जो भी विकसित राज्य हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो भी संघ शासित प्रदेश हैं उनके साथ उस सरकार के साथ मिलकर के जो ये फाउंडेशन है अपना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, तो वो क्या करता है उनके साथ कुछ रेशियो में अपने वित्तीय सहयोग करता है। जैसे कि जो भी विकसित राज्य हैं उनके साथ मिलके ये 60-50 का रेशियो रखता है, यानी कि 60% उनका और 50% अपना हिस्सेदारी देकर के उनकी सहायता करता है। इसी के साथ जो भी अविकसित हैं या बोल सकते हैं जो लापरवाही राज्य हैं उनके साथ मिलकर के ये 50-50 का रेशियो रखता है। इसी के साथ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें 90:10 यानी कि 90:10 का ये सहयोग करता है।
ये इसका समतुल्य सहायता के अंतर्गत आता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड है पूर्ण सहायता, या पूर्ण सहायता में अपन इसको बोल सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनको संपूर्ण वित्तीय, तकनीकी और जो प्रबंध की है सारी सहायताएं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, तो ये पूर्ण सहायता के अंतर आती है। नेक्स्ट इसके आता है कि जो भी इसके जो सहायता है भाई, वो सहायता में वो किस किस प्रकार की ये सहायता कर सकता है। तो देखिए उन सहायता में या तो प्रिंट वाली जो भी चीज़ें हों, या बोल सकते हैं कि प्रिंट वाली और गैर प्रिंट, उसके संग्रह के विकास के लिए ये सारी सुविधाएँ जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन उसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा किताबें हों या अन्य स्टोरेज के लिए जो भी पुस्तकालय का फर्नीचर लगे या भंडारण के लिए जो भी सामग्री लगे, वो सब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय का जो भवन निर्माण होता है, उस भवन निर्माण में भी ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। अगले चलते हैं कि नेक्स्ट इसमें आता है प्रकाशन, कि भाई राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के कौन कौन से प्रकाशन ये प्रकाशित करता है, तो इन पर भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रकाशन में आता है कि इसके जो प्रकाशन है उसकी लिस्ट आपको दे रखी है सामने, आप पढ़ सकते हैं। पहला आता है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, इसका प्रकाशन भी RRLF के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है टैगोर बिब्लियोग्राफी, तो देखिए टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये अपना न्यूज़लेटर भी निकालता है, RRLF न्यूज़लेटर, वो भी इसका प्रकाशन ये स्वयं खुद करता है। नेक्स्ट है ग्रंथाना, देखिए ग्रंथाना है इंडियन जनरल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़ के बारे में ये प्रकाशन निकालता है, ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। इसके साथ एक सूचना मैनुअल ये निकालता है, लाखों लोगों के लिए उनके दरवाजे तक किताबें, ये एक सूचना मैनुअल है, तो इसका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के साथ ये एक अपना वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वार्षिक रिपोर्ट, तो उसका भी पब्लिकेशन ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ही करता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसके आगे आता है कि इसका जो पुरस्कार का जो प्रोग्राम रहता है या इसके अवार्ड जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए अवार्ड में पहला आता है RRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, तो देखिए RRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है देश में जितने भी केंद्रीय पुस्तकालय हैं उन केंद्रीय पुस्तकालयों में जिस पुस्तकालय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कार्य जिस पुस्तकालय का रहता है उस पुस्तकालय को ये अवार्ड दिया जाता है, और इस अवार्ड के अंतर्गत उस पुस्तकालय को 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है RRLF बेस्ट जिला अवार्ड, तो देखिए बेस्ट जिला अवार्ड किसे दिया जाता है कि देश में राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय है उस जिला पुस्तकालय में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस भी जिला पुस्तकालय का रहता है उस जिला पुस्तकालय को 50,000 रुपये नगद राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है RRLF बेस्ट रूरल अवार्ड, तो देखिए रूरल अवार्ड किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है कि देश में जो अपने प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित होती है उन सार्वजनिक पुस्तकालयों को ये अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ इसका एक अगला अवार्ड आता है राजा राम मोहन राय अवार्ड, तो देखिए राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया जाता है, ये वार्षिक रूप से इसको प्रोवाइड करता है, वार्षिक रूप से अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड उसे दिया जाता है कि जो भी पुस्तकालय के मतलब पुस्तकालय से रिलेटेड जो भी सर्वोत्तम योगदान वाले लेख होते हैं, कि जो भी पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड या पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित उनके विकास और उनके सहयोग से संबंधित जो लेख लिखते हैं, जो सर्वोत्तम योगदान वाला लेख होता है उस लेख को ये राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया जाता है। तो आज ये RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया है, कि इससे जुड़े हुए सारे तथ्य मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कि अगर और कोई तथ्य इसमें से रहता है तो वो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के अंदर आपका कवर हो जाएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें आपको सारे इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक बार फिर से, तो तब तक के लिए धन्यवाद।